हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना और आप सबका आज फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वैदिक पंचगव्य। दोस्तों, हमारे चैनल में हम आपको पंचगव्य चिकित्सा और हेल्थ रिलेटेड टिप्स के बारे में बताते रहते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की जानकारी पाना चाहते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, दिनचर्या के लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था खाना खाने के टाइम टेबल के बारे में, खाना किस समय और किस प्रकार से खाना चाहिए। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं खाना खाने के कुछ जनरल नियमों के बारे में, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमें हमारे किचन से निकाल के बाहर फेंक देनी है अगर हमें स्वस्थ और हेल्दी रहना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, भोजन का सबसे पहला और बेसिक नियम है, भोजन हमेशा बनने के 45 मिनट्स के अंदर हमें खा लेना चाहिए। मतलब भोजन पकाने के बाद 45 मिनट्स के अंदर हमें उसे खा लेना चाहिए, क्योंकि 45 मिनट्स के बाद में उसमें जो पोषक तत्व, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म होते चले जाते हैं। ठीक है, अगला नियम है, खाना खाने के लिए हमें हमेशा ज़मीन पर बैठना चाहिए। खाना हमेशा ज़मीन पर पैर फोल्ड कर भारतीय पद्धति के बैठक में बैठकर ही खाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से हमारी जो हाथों की पोजीशन बनती है वो खाना पचाने के लिए, खाना डाइजेस्ट करने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपको भी फ्रिक्वेंटली कॉन्स्टिपेशन या फिर फ्रिक्वेंटली गैसेस ऐसी समस्या होती है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट तक वज्रासन में बैठें। ऐसा करने से आपके पाचन संस्था में सुधार आता है और आपको कॉन्स्टिपेशन, गैसेस जैसी समस्याओं में बहुत रिलीफ मिल पाता है। दोस्तों, खाने का अगला नियम आता है, हमें हमेशा वही खाना खाना चाहिए जो हमारे प्रदेश में उगता है। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे जो उगने वाली चीज़ें हैं हमें हमेशा उन्हीं का सेवन करना चाहिए। तो अगर यहाँ पे महाराष्ट्र में रह के मैं अगर रोज़ एक एप्पल खाऊंगी और बोलूंगी एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, मतलब अगर मैं एक एप्पल रोज़ खाऊँ तो मैं बीमार नहीं पड़ूंगी या फिर वो मेरे लिए बहुत हेल्दी है, तो वो गलत है दोस्तों। मतलब एप्पल खाऊंगी तो वो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, पर यहाँ पे जो उगने वाली चीज़ें हैं, मतलब अनार, चीकू, संतरा या फिर बाकी के जो फ्रूट्स हो गए, वो अगर मैं खाऊंगी तो वो मेरे लिए ज़्यादा हेल्दी साबित होंगे, क्योंकि एप्पल जो है वो जम्मू कश्मीर में उगता है, तो वो वहाँ के लोग अगर खाएंगे तो वो उनके लिए यहाँ के कंपैरिजन ज़्यादा हेल्दी होगा। ठीक है दोस्तों, आगे का पॉइंट आता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनपॉलिश्ड, ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री ही खाना खाना चाहिए। सपोज़ अगर चावल हम ले रहे हैं तो चावल पॉलिश्ड ना लेते हुए अगर हम अनपॉलिश चावल लें, उसका इस्तेमाल हमारे खाने में ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो हमें चावल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ विरुद्ध आहार के बारे में। दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जिन्हें विरुद्ध आहार क्या होता है पता ही नहीं होता है, बस किसी भी चीज़ में कुछ भी डाल दिया और मिला के खा लिया। बस पेट को संतुष्टि मिलनी चाहिए, पेट में जाके भले ही वो नुकसान करे पर हमें अच्छा लगना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद में कहा गया है दो ऐसी चीज़ें जो एक साथ खाने के बाद अगर विष बन जाती है तो उन्हें विरुद्ध आहार कहा जाता है। तो ऐसे कौन कौन से विरुद्ध आहार हैं ये जानते हैं। तो सबसे पहला और सबसे डेडली कॉम्बिनेशन जो विरुद्ध आहार में माना जाता है वो है दही और नमक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, दही में अगर नमक डाल के खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाकर जहर की तरह काम करता है। दोस्तों, आपको भी शौक लगा होगा क्योंकि हम बहुत रेगुलर तौर पे, बहुत आम तौर पे दही में नमक डाल के खाते हैं। मतलब अगर दही वड़े बना लिए या फिर कोशिंबीर बना लिए या फिर सलाद बना लिया तो हम बहुत नॉर्मली हम उसमें दही डालते हैं, दही में नमक डाल देते हैं, पर ये हमारे पेट के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है दोस्तों। आयुर्वेद में इसे निषिद्ध माना गया है। ठीक है, अगला विरुद्ध आहार आता है दोस्तों, दूध के साथ लहसुन का खाना, दूध के साथ प्याज या फिर दूध के साथ अंडा, दूध के साथ नॉनवेज, ये भी चीज़ें दोस्तों आयुर्वेद में निषिद्ध मानी गई है, विरुद्ध आहार मानी गई है। अगर आप इन चीज़ों का, मतलब इस मिक्सचर का अगर रेगुलरली सेवन करेंगे तो ये आपके सेहत के लिए बहुत हानिकारक है दोस्तों। पर आजकल जो फास्ट फूड स्टॉल पर मिलता है, मतलब मैंने बहुत जगहों पर देखा है, मतलब समझ में ही नहीं आता है, मतलब क्या किस तरह से क्या पकाते हैं वो लोग। इडली का बैटर होता है, डोसे का बैटर होता है, वो डाल दिया तवे पे, उसके ऊपर से अंडा डाल दिया, उसके ऊपर से चीज़ डाल दिया, मतलब बस जो मुंह में बस स्वाद आना चाहिए, पेट में जाके भले ही वो जहर का काम करे। अगर मैं आपको बोलूँगी कि ये जहर है पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, आप खाएँगे नहीं खाएँगे, तो फिर हम विरुद्ध आहार का सेवन क्यों करते हैं? अगर हमको पता है कि ये विरुद्ध आहार है, हमें ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, तो हम क्यों खाते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे कुछ विरुद्ध आहार है दोस्तों, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे दूध के साथ दूध के बनाए हुए और कोई पदार्थ है, जैसे दूध के साथ दही मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, दूध के साथ पनीर मिला के नहीं खाना चाहिए। इसको सिर्फ एक एक्सेप्शन है दोस्तों, दूध के साथ हम घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध में घी मिलाकर हम खा सकते हैं, पर दूध और दूध का बना हुआ और कोई पदार्थ हमें मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, यह हमारे शरीर में जाके विष की तरह काम करता है। आयुर्वेद में इसे वर्जित माना गया है। ठीक है दोस्तों, अगला विरुद्ध आहार आता है दोस्तों, दही के साथ उड़द दाल
जी हाँ, ये भी आपको जान के शौक लगेगा, क्योंकि हम बहुत रेगुलरली मेदू वड़ा खाते हैं या फिर डोसा बना लिया, तो वह उसमें हम बहुत इजीली दही डाल देते हैं। पर आयुर्वेद में कहा गया है, दही के साथ उड़द दाल का सेवन ये विष समान होता है, इसे भी वर्जित माना गया है। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोस्तों, कि दही हमेशा दिन के समय में ही खाना चाहिए, दही का सेवन कभी भी रात में नहीं करना चाहिए, वह हमारे पाचन संस्था के लिए बहुत हानिकारक होता है। अगला विरुद्ध आहार आता है दोस्तों, घी और शहद। जी हाँ, घी और शहद को समान मात्रा में मिक्स करके, समान मात्रा में मिला करके कभी नहीं खाना चाहिए दोस्तों, ये भी विष समान ही माना जाता है आयुर्वेद में। समझ गए आप मेरी बात? जब भी हम पंचामृत बनाते हैं तो उसमें भी एक सीक्वेंस देते हैं, दूध कब डालना है, घी कब डालना है, शहद कब डालना है, वो भी सीक्वेंस फॉलो करना ज़रूरी होता है, वरना वो पंचामृत अमृत की तरह नहीं, विष के समान भी ऐड कर सकता है। अगला विरुद्ध आहार आता है दोस्तों, बैंगन की सब्जी और गेहूं की रोटी। जी हाँ, ये भी जान के आपको शौक लगेगा, क्योंकि हम बहुत आम तौर पर बैंगन की सब्जी गेहूं की रोटी के साथ खा लेते हैं, पर आयुर्वेद में कहा गया है कि बैंगन की सब्जी का गेहूं की रोटी के साथ सेवन करना यह निषिद्ध है, ये विष समान होता है। तो आप कहेंगे, अब बैंगन की सब्जी खाएंगे कैसे? तो जब भी बैंगन की सब्जी खानी हो तो वो हमेशा हमें गेहूं की रोटी या फिर ज्वार की रोटी या फिर और किसी चीज़ की रोटी बना के उसके साथ खानी है, पर गेहूं की रोटी के साथ बैंगन की सब्जी का इस्तेमाल ना करें। ठीक है दोस्तों, ये जाना हमने विरुद्ध आहार के बारे में। तो आप जानते हैं विरुद्ध आहार के दुष्परिणाम क्या होते हैं? आजकल दोस्तों बहुत ज़्यादा तौर पर स्किन डिसीजेज देखने को मिलते हैं, मतलब स्किन पे बहुत लोगों को ब्लैक कलर के कुछ स्पॉट्स आ जाते हैं, बहुत जगह पे चेहरे पे आते हैं, कभी हाथों पे आ जाते हैं, या फिर सफ़ेद स्पॉट आ जाते हैं जिसे हम श्वेत कोड बोलते हैं, जो श्वेत कोड बढ़ता ही जाता है। ठीक है, श्वेत कोड या फिर सोरायसिस, ऐसे जो कुछ स्किन डिसीजेस हैं, वो सारे स्किन डिसीजेस मेनली विरुद्ध आहार की वजह से ही होते हैं। तो अगर आप भी इन सारे स्किन प्रॉब्लम से सफ़र हो रहे हैं, या फिर अगर आप इन सारे स्किन प्रॉब्लम से सफ़र नहीं होना चाहते हैं, तो आप भी अगर विरुद्ध आहार को अपने आहार में इंक्लूड कर रहे हैं तो इसे जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हम हमारे किचन में इस्तेमाल तो करते हैं, पर हमें इन चीज़ों को हमारे किचन से निकाल के बाहर फेंक देना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है रिफाइंड तेल। जी हाँ, अब आप कहेंगे रिफाइंड तेल फेंक देंगे तो भाई क्या यूज़ करेंगे? हमें रिफाइंड तेल का यूज़ नहीं करना है दोस्तों, हमें हमेशा कच्ची घानी का तेल ही इस्तेमाल करना है। दोस्तों आजकल किसी को अगर हार्ट अटैक हो जाए या फिर हाई बीपी या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेज हो जाए, तो अगर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे क्या सलाह देता है? डॉक्टर सबसे पहली सलाह ये देता है कि भाई अपना तेल बंद कर दो, घी बंद कर दो और कोई भी चिपचिपी चीज़ खाना बंद कर दो, है कि नहीं? तो ऐसा क्यों? क्योंकि डॉक्टरों को पता है आजकल जो तेल, जो घी मार्केट में मिलता है, उससे जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो खराब कोलेस्ट्रॉल बनता है, जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉकेज, हाई बीपी, हार्ट अटैक, इसकी जैसे समस्याएं बढ़ती जा रही है। पर कोई हमें ये नहीं बताएगा कि हमें खराब तेल छोड़कर अच्छा वाला तेल खाना है कि नहीं? तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि सबसे पहले जानते हैं कि रिफाइंड तेल बनता किस प्रकार से है। रिफाइंड तेल बनाते वक्त दोस्तों उसमें गैसोलीन और हेक्सीन नाम की कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जो बेसिकली उस तेल को पतला बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और बाद में ये सारे केमिकल्स मिला के उस तेल को बहुत अच्छे से हिलाया जाता है, बहुत अच्छे से मिक्स किया जाता है, जिससे कि वो तेल की कंसिस्टेंसी पतली हो जाए, उसकी विस्कोसिटी पतली हो जाए। ठीक है, और बाद में इन केमिकल्स की स्मेल निकल जाए, इसके लिए उस तेल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं, कम से कम 300 फ़ारेनहाइट डिग्री पे उसको हीट करते हैं। ठीक है, अब आप ही सोचिए कि इतना हीट होने के बाद उस तेल में कितने न्यूट्रिएंट्स बचेंगे, कितना पोषक तत्व बच जाएगा, है कि नहीं? और इतना हीट करने के बाद भी उस तेल को प्योर दिखने वाला बनाने के लिए, प्योर तो होता ही नहीं है वो, उसमें बहुत सारा पाम ऑयल मिला हुआ होता है। आजकल तो गवर्नमेंट ने भी परमिशन दे दी है कि हर रिफाइंड ऑयल में पाम ऑयल का कुछ परसेंटेज होना ही चाहिए। ठीक है, तो उस तेल को प्योर दिखने वाला बनाने के लिए, मतलब साफ़ सुथरा दिखना चाहिए, इस तरह से बनाने के लिए उस तेल को ब्लीच किया जाता है। ब्लीच करने की प्रोसेस में भी उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं दोस्तों, और एट लास्ट ऐड किया जाता है प्रिजर्वेटिव। तो अब आप ही सोचिए कि रोज़ जो रिफाइंड तेल हम यूज़ कर रहे हैं, वो रिफाइंड तेल है कि केमिकल्स है कि नहीं? रिफाइंड तेल के नाम पर हम सिर्फ केमिकल्स ही खाए जा रहे हैं। तो आप ही सोचिए, रिफाइंड तेल हमारे बॉडी में जाके हमें जो फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा तो होता ही नहीं है, पर ये केमिकल पेट में जाने की वजह से बहुत सारे नुकसान तो हमारे बॉडी को ज़रूर होते हैं, है कि नहीं? आप ही सोचिए, मतलब उनके दादा दादी वो 100-100 साल के हो जाते थे, पर फिर भी अपने पैरों पर चल के सारा काम खुद से कर पाते थे। पर आज देखिए, हम 40-50 की उम्र के हो नहीं जाते, तब तक तो हमें जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं, हमें बहुत सारे जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं, घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है,
तो ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम रिफाइंड तेल खा रहे हैं। मार्केट में रिफाइंड तेल यही बोल के लाया गया था कि हार्ट प्रॉब्लम को कम करेगा, हार्ट ब्लॉकेज को कम करेगा, आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी मैं भी देखा है मैंने कि आपको आपके हार्ट को हेल्दी रखना है तो ये वाला तेल खाइए, आपके हार्ट को हेल्दी रखना है तो वो वाला तेल खाइए। पर सारे के सारे तेल सेम ही होते हैं दोस्तों, सारे के सारे रिफाइंड। अगर आपको सच में आपके हार्ट को हेल्दी रखना है, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर में जनरेट करना है, तो अच्छा वाला कच्चे घाने का तेल ही खाइए। कोलेस्ट्रॉल आखिर में क्या होता है दोस्तों? कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर ही जनरेट करता है, हमारा लीवर कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। तो अगर हम अच्छा वाला तेल खाएंगे तो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बनेगा, अगर हम खराब वाला रिफाइंड वाला तेल खाएंगे केमिकल मिक्स किया हुआ तो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल बनेगा। और यही खराब कोलेस्ट्रॉल आगे जाके हमें डायबिटीज़, बीपी, फिर हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं देता है। और फिर डॉक्टर क्या बोलता है कि तेल बंद कर दो, क्योंकि उनको पता है कि अच्छा वाला तेल कहाँ पर जाएंगे लोग, है कि नहीं? कितना भी बोलेंगे कि आपको रिफाइंड तेल बंद कर दो तो आप बंद करने वाले हैं नहीं जब तक आपको ठेस नहीं लगती है। तो दोस्तों हमें हमेशा कच्चे घाने का तेल ही यूज़ करना चाहिए। अब कच्चे घाने के तेल से क्या फ़ायदे होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। कच्चे घाने का तेल सबसे पहले तो बहुत कम तापमान पर निकाला जाता है, तो क्योंकि वो तेल ज़्यादा हीट नहीं होता है तो उसमें जो पोषक तत्व है वो 100% तक रिटेन होते हैं। कच्चे घाने का तेल आप अगर कभी देखे, मतलब मैं यूज़ करती हूँ, तो उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है वो तेल, ठीक है? तो इतना अच्छा और इतना गाढ़ा तेल हमारे जब बॉडी में जाता है, हमारे जो पेट में जाता है, तो हमारे जो जॉइंट्स है तो उसके लुब्रिकेंट्स बढ़ाने में वो बहुत ज़्यादा काम में आता है दोस्तों। अगर सालों साल तक आप इस तरह से कच्चे घाने का तेल खाएंगे तो आगे जाके आपको घुटनों का दर्द, जॉइंट पेन्स ऐसी समस्याएं नहीं फेस करने पड़ने वाली है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि कच्चे घाने का तेल जो होता है वो थोड़ा महंगा मिलता है। पता है दोस्तों वो थोड़ा महंगा जाता है, पर आप ट्राई करके देखिए, क्योंकि कच्चे घाने का जो तेल होता है उसकी विस्कोसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्योर होता है। तो क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है तो वो हम थोड़ी कम मात्रा में भी इस्तेमाल करते हैं तो भी वो हमारे खाने में सफिशियंट हो जाता है। मतलब अगर रिफाइंड तेल, मतलब महीने का मुझे 5 लीटर लगता है, तो अनरिफाइंड तेल या फिर कच्चे घाने का तेल मैं 3 लीटर भी यूज़ करूँ तो भी वो मुझे सफिशियंट हो जाएगा। तो ओवरऑल वो सेम ही होता है, खर्चा तो इसमें भी इतना ही आना है, खर्चा तो उसमें भी उतना ही आना है, पर हमें हमारी हेल्थ देखनी है, ना कि खर्चा देखना है, ठीक है दोस्तों? तो अगर आपको स्वस्थ रहना है, बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेजेस, इनकी जैसी समस्याओं से दूर रहना है, तो आप भी अपने खाने में शुद्ध वाला कच्चे घाने का तेल लेके आइए। अब अगला पॉइंट है दोस्तों, फ्रिज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, फ्रिज हमें हमारे लाइफ से निकल के बाहर फेंक देना है दोस्तों। पुराने ज़माने में फ्रिज का बेसिकली यूज़ क्यों किया जाता है पता है? जो कम तापमान पर रखने वाली जो दवाइयाँ थी उनको रखने के लिए बेसिकली फ्रिज का इस्तेमाल पहले करते थे। पर हमने क्या किया, हम फ्रिज को उठा के हमारे रसोई में लेके आए, जैसे कि हमें बार बार मार्केट जाने की, फ्रेश वाली सब्जी लेके आने की ज़रूरत ही ना पड़े, है कि नहीं? तो दोस्तों फ्रिज का प्रॉब्लम क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रिज में दोस्तों 24 आवर्स कुछ जहरीली गैसेस बनती रहती है, जैसे HCF, CFC, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे बहुत सारी गैसेस फ्रिज के अंदर बनती रहती है, ठीक है? तो ये जो गैसेस होती है वो हमारे खाने के साथ मिल जाती है, और वही खाना हमारे पेट में जब जाता है तो वो हमारे पेट को बहुत हानि पहुंचाता है दोस्तों। अगर आपको भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस करने के लिए आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताती हूँ, वो आप करके देखिए, ठीक है? एक कटोरी में पानी भर के फ्रिज में रख दीजिए, उसको ढकना मत, ठीक है? एक कटोरी में पानी भर के फ्रिज में रख दिया, रात भर उसको वैसे ही रखा रहने दीजिए। सुबह उठने के बाद वो कटोरी फ्रिज से बाहर निकाल लीजिए, उसको रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए, और फिर वो पानी आप पीजिए। फिर आपको पता चलेगा कि पानी की टेस्ट भी बदल गई है और उसकी स्मेल भी अलग सी आती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि फ्रिज में जो गैसेस है वो रात भर में उस पानी के साथ मिल जाते हैं। समझ रहे हैं आप बात मेरी? तो यही होता है जब हम खाना फ्रिज में रखते हैं और उसको खाते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि फ्रिज का इस्तेमाल जितना कम से कम करें उतना अच्छा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो एयरटाइट कंटेनर में रख के आप खाना फ्रिज में रख सकते हैं, पर फिर भी अगर मेरी माने तो हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना फ्रेश खाना खाना चाहिए, फ्रेश सब्जियाँ खानी चाहिए, फ्रेश फल खाने चाहिए, ना कि फ्रिज में रखे हुए, ठीक है? दोस्तों फ्रिज का और एक नुकसान मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम फ्रिज का ठंडा खाना खाते हैं, ठीक है, फ्रिज में रखा हुआ सपोज ठंडा खाना है, मैंने खा लिया, अब जब वो खाना मेरे पेट में जाता है तो क्या होता है? क्योंकि वो ठंडा खाना बहुत ठंडा है, तो उस ठंडे खाने को पचाने के लिए, उसको रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए उस ऑर्गन को, बॉडी को क्या पड़ता है, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि उस ऑर्गन को, उस स्पेसिफिक ऑर्गन को ब्लड ज़्यादा सप्लाई हो रहा है तो बाकी ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इसलिए बाकी अगर हम रेगुलरली इस तरह से ठंडा खाना खाएंगे तो बाकी के जो ऑर्गन्स हैं हमारे, तो वो कमज़ोर पड़ सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात?
अगला नुकसान क्या होता है, तो सपोज़ कोई चीज़ है जो मैंने फ्रिज में रख दी, सपोज़ आप कंसिडर कर लीजिए कोई मिठाई है, ठीक है, पेड़ा है या फिर लड्डू है, मैंने उसे फ्रिज में रख दिया, तो जब मैं उसको फ्रिज में से निकालती हूँ तो वो पेड़ा या फिर वो लड्डू कड़क हो जाती है, बहुत स्टिफ हो जाती है, उसमें हार्डनेस आ जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही होता है जो लोग बहुत रेगुलर तौर पर ठंडा पानी पीते हैं उनके साथ। तो क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। जो रेगुलर ठंडा पानी पीने वाले लोग होते हैं ना दोस्तों, वो रेगुलरली ठंडा पानी पी पी के उनके पेट में क्या होता है, उनका जो मैला होता है वो उसी प्रकार से स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और फिर हमको क्या लगता है कि नहीं भाई हमें तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट ही साफ नहीं हो रहा है। मतलब मैंने देखा है दोस्तों बहुत सारे लोगों में जो रेगुलरली फ्रिज का ठंडा पानी पीने के आदी है, उनको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम आती ही आती है। तो अगर आपको भी रेगुलरली ठंडा पानी पीने की आदत है, कॉन्स्टिपेशन नहीं भी होंगी तो भी आगे जाके होने वाली है, और अगर होगी तो आप अभी उसे बंद कर दीजिए क्योंकि आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और जाके बढ़ने वाली है। समझ गए आप मेरी बात? तो पानी जब भी पीना है रूम टेम्परेचर का पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो गर्मी के दिनों में आप ठंडे मटके का पानी पीजिए, पर फ्रिज के पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ हमारे किचन के 5 सफ़ेद जहर जो हमें फ्रिज हमारे हमारे घर से निकाल के बाहर फेंकने हैं, ठीक है। तो ये 5 सफ़ेद जहर कौन से हैं? सबसे पहला जहर है गेहूं का सफ़ेद आटा, दूसरा जहर है मैदा, तीसरा जहर है सफ़ेद चीनी, चौथा जहर है सफ़ेद नमक, आयोडीन वाला सफ़ेद नमक, और 5वां जहर है दूध। जी हाँ दोस्तों, बहुत रेगुलर हम लोग ये सारी चीज़ें किचन में इस्तेमाल करते हैं, हमें पता ही नहीं होता है ये हमारे बॉडी के लिए कितनी हानिकारक है, हमें किस प्रकार से इनका यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी डिटेल मैं आपको अगली वीडियो में देने वाली हूँ, अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।